बताओ ये कश्मीर हमारा भारत का अभिनंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 370 और 35 से कश्मीर को भारत से अलग रख, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, राज्यसभा में बहुमत आया, 5 अगस्त 2019 को संविधान से धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों, समाप्त। और आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, कश्मीर में आज सुबह हमारा राष्ट्र ध्वज शान के साथ फहरा रहा था मित्रों, शान के साथ। उन्होंने कहा था 1000 स्कूल में नए बनाऊंगा और वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दूंगा। बाबतपुर वालों, एक भी स्कूल आपके यहाँ नया बना है क्या? जोर से बोलो, बना है क्या? उन्होंने कहा था 50 कॉलेज बनाएंगे, एक भी कॉलेज बाबतपुर में बना है क्या? उन्होंने कहा था 15 नए अस्पताल बनाएंगे, बनाए क्या? उन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मैं अभी कहीं बोला कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए तो इक्का दुक्का जो फोटो गिराने के लगाए होते उसकी फोटो मुझे भेज दी। अरे भैया केजरीवाल, 15 लाख में तो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कैमरा लग जाए, 15 लाख कैमरा अगर लगे तो मुझे बताओ बाबतपुर वालों, माताओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगे हैं क्या? सच बताना, लगे हैं क्या? उन्होंने कहा 5000 डीटीसी की बसें लाएंगे, जो छोड़कर गए थे 2015 में उसमें 1095 कम कर दी, नहीं नहीं लाए। उन्होंने कहा था अगर हम जीते आप पार्टी वाले तो सरकारी बंगलों नहीं लेंगे। मित्रों, जैसे ही मुख्यमंत्री बने सबसे पहला काम सरकारी बंगलों की फाइल पर अपना हस्तखत करने का करा, दस्तखत करने का करा। उन्होंने सरकारी गाड़ी भी ले ली। 8 लाख युवाओं को नौकरी देने वाले जो दिया है क्या? जरा जोर से बोलो, दिया है क्या? उन्होंने फ्री वाईफाई लगाएंगे ऐसा कहा। इतने सारे युवा कैमरा चालू कर बैठे हैं, भाई कहीं फ्री वाईफाई देखा है? देखा है क्या? इन्होंने कहा था हम जन लोकपाल लाएंगे। अन्ना जी के साथ धरने पर बैठ गए, अन्ना जी के आंदोलन की मलाई खा गए, मुख्यमंत्री बन गए, मगर वो जन लोकपाल की जगह अपने चंपू जैसे लोकपाल का बिल लेकर आए। मित्रों, इससे बड़ा धोखा अन्ना के साथ और कोई हो नहीं सकता।